तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन आसमान छू रही है। आलम यह है कि कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुँच गया है। पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में एक्ट्रेस और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उर्मिला ने अलग अंदाज में ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया है और लिखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100, 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर उर्मिला का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है, ये शायराना अंदाज में तंज उन्हें बहुत पसंद आया है। हालांकि कुछ लोगों ने उर्मिला की ये शायरी पसंद नहीं की है और वो उन्हें आंकड़े और तथ्य पर नजर डालने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने किसी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी उर्मिला मातोंडकर ने हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल से 200 किसानों की मौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, जो लोग किसानों को खालिस्तान और देशद्रोही कहते हैं, उनका हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल जी के इस बेहद शर्मनाक और असंवेदनशील बयान पर क्या कहना है। इस महीने 18 दिनों में से 12 बार पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हैं। केवल 6 दिन ऐसे ही रहे जिसमें कीमतें में कोई बदल नहीं हुआ है। आज पेट्रोल का दाम कल के मुकाबले 34 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गया है। वही डीजल के दाम 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।